राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमात ओबीसी कॉलम नसेल तर जनगणना कार्यक्रम उधळून लावणार असल्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे. नांदेडमध्ये भारतीय पिछडा शासित संघटनेच्या वतीने आयोजित ओबीसी जनगणना परिसंवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात ओबीसी समाजातील नेत्यांचा हा इशारा दिला आहे. गुरुवारी शहरातील कुसुम सभागृह ओबीसी जनगणना परिसंवाद मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात ओबीसीचे राष्ट्रीय प्रचारक प्राध्यापक श्रवण देवरे, दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक संदीप यादव यांनी ओबीसी जातनिहाय जनगणना का महत्त्वाची या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी भारतीय पिछडा शासित संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस जी माचनमाड, गोविंद सुरनर, ॲडव्होकेट प्रदीप राठोड यांच्यासह ओबीसी जात समूहातील नेते उपस्थित होते. 2021 साली राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या कार्यक्रमादरम्यान सर्व जाती समूहाचे नोंदणी केली जाते, पण मागील 70 वर्षापासून ओबीसीची जातनिहाय जनगणना केली जात नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला या देशात इतर जाती समूहाप्रमाणेच मिळणाऱ्या योजना मिळत नाहीत. या देशात 58% ओबीसी समाज राहतो, पण हा समाज आजही सर्वच क्षेत्रात मागास आहे. त्यामुळे येणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमात ओबीसी जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसी कॉलम असावा, अन्यथा हा जनगणना कार्यक्रम उधळून लावणार असल्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे. इस जातिगत जातिवार जनगणना के सेमिनार में बेसिकली हमारी यही मांगे हैं कि भारत में आप सब कुछ गिनते हैं, आप के पास चीतों की गिनती है, लायंस की गिनती है, आपके पास पशु पक्षियों की गिनती है, लेकिन ओबीसी के लोगों का डेटा नहीं है. आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई भी मामला लेके जाते हैं, जैसे कुछ भी देना होता है, कोई पॉलिसी बनानी होती है ओबीसी के लिए, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं कि इनको इतना हिस्सा दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट कहता है कि डेटा दो, और हमारे जो जितने भी मंत्रालय के लोग होते हैं वो कहते हैं कि डेटा है नहीं. तो डेटा नहीं होने की वजह से उनको उनका प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है. अभी आपका स्किल इंडिया का एक नाटक हुआ, उसकी बात चली. स्किल इंडिया में आप पता कर लीजिए कि कितने ओबीसी लोगों को लोन मिला है. आप साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. हम लोगों का मामला ये है कि जातिवार जनगणना से क्या होगा कि पता चलेगा कि भारत में कितने ओबीसी के लोग नौकरियों में हैं. 2015 से ये डेटा है कि 12% लोग क्लास वन की नौकरियों में हैं, जबकि हमारा रिजर्वेशन ओबीसी का 27% है. क्रिमिलियर की वजह से पूरा नहीं हो पाता है. जुडिशरी में हमारे 5 जजेज हुए हैं 2014 से पहले ओबीसी के, 500 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभी तक हुए जजेज में 5 ओबीसी के हुए हैं, 5 दलित के हैं, 12 मुसलमान हैं. सर, एनपीआर 1 तारीख से लागू होने वाला है, उसके खिलाफ है या उसके साथ? और उसके हम खिलाफ इसलिए हैं कि बहुत सारे हमारे ओबीसी भाइयों के पास उनके जमीन का आंकड़ा नहीं है, पेपर्स नहीं है, वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आप उनको रोजगार देने की जगह पर उनसे पेपर मांग रहे हो. आप उनको काम देने की, उनकी आत्महत्या आपको नहीं दिखती है? यहाँ विदर्भ के किसानों की मरने वाले जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं, आप पता करिए कि उनकी जाति क्या है. उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग होंगे, छोटे किसान ओबीसी हैं. आप जातिवार जनगणना करिए और उनको रिलीफ दीजिए, उनको उनके हिस्से में. आप खदानों से पैसा लूट रहे हैं देश का, उड़ीसा से, झारखंड से, और उसको आप पूंजीपतियों को, कितने पूंजीपति इस देश का पैसा लेके भाग गए कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन 50,000 एक किसान नहीं दे पाता है. आप उसके घर रिकवरी के लिए भेजते हैं लोगों को, आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है, उसके बेटे बच्चियों की शादी नहीं होती. शर्मनाक समाज है ये. तो हमारा मांगे यही है. जो लोग जातिवार जनगणना के विरोध में है, ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं. आप इस बात को जानिए कि जब मोदी साहब ने ज्वाइन किया तो उनकी पीएमओ में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं था. कितनी शर्मनाक बात है, जिस क्लास की आबादी 60% हो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ना हो. समझ सकते हैं कि कितना वंचित समाज है. ओबीसी जनगणना देखिए, ओबीसी में भी हर जाति की जनगणना होनी चाहिए, ताकि उसमें ये क्लेम ना हो कि यादवों ने उनका हिस्सा खा लिया, कुर्मियों ने उनका खा लिया, कोयरियों ने उनका खा लिया, वंजारी और वंजारा ने उनका खा लिया. आप सबको, आप एक स्वस्थ समाज सबको प्रोपोर्शनेट और उनका इक्वल हिस्सा दे के ही बना सकते हैं. नौकरी आप सबको नहीं दे सकते हैं. या तो आप रोजगार जनरेट करेंगे एक शासन के रूप में, एक राज्य के रूप में, या तो आप उनके लिए बिजनेस के पैसे देंगे, उनको जीने के लिए कुछ ना कुछ देंगे, ताकि हमारा भाई एक डिग्निफाइड जिंदगी जिए. ओबीसी फॉर्म, जनगणना का जो फॉर्म रहता है उसमें कितने कॉलम होना चाहिए कि ओबीसी का? अब ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जब वो, मैंने बताया ना कि जब वो चीते को गिन सकते हैं उनके पैरों में चिप लगा के, चीते को पकड़ के ट्रांकुलाइजर लगा के उनके पैरों में आप चिप लगाते हैं, उनके मूवमेंट को आप मेजर करते हैं, आप ओबीसी को आराम से गिन सकते हैं. आप फॉर्म बनाइए, आप उनकी गिनती करिए, आप लोगों को पैसा खर्च करिए. आप एनपीआर क्यों करते हैं? आप पहले जातिगत जनगणना करिए.
आप पता लगाइए कि कौन क्या है, उसके बाद आप एनपीआर करिए। मैंने आप पहले बताइए, अभी तक तो वही उसी देश के सारे लोग अभी तक देश के नागरिक थे, एकाएक वो एनपीआर आने से देश के नागरिकता उनके खतरे में है। आप इस बात को समझिए, आपको जो करना है वो नहीं कर रहे हैं आप आत्महत्या पे नहीं बात करते हैं, आप रोजगार पे बात नहीं करते हैं, आप लोगों की नौकरियों पे बात नहीं करते हैं, आप लोगों के जीवन में हॉस्पिटल्स सरकारी क्यों नहीं है, सरकारी स्कूल्स क्यों नहीं है, इस पे बात नहीं करते हैं। आप हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, एनपीआर पे बात करते हैं, ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिससे किसी का कोई भला नहीं, नुकसान ही होने वाला है। कितना पैसा नुकसान हो गया, दंगा हुआ, आप देखिए और आगे देखते जाइए। इसलिए हमको, हमारी सीधी सी बात है कि हम जातिवार जनगणना की मांग करते हैं और उसके लड़ेंगे और अपनी हिस्सेदारी लिए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से।